नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं गेंदे के फूलों का बायो एंजाइम आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। दिवाली का टाइम था, दिवाली निकल चुकी है और ये हमारे गेंदे के फूल हमारे जो दिवाली के टाइम पे हमने अपने मंदिर में लगाई मालाएं और सजावट में जो घर पे सजावट की गेंदे के फूलों की, ये वही फूल है। तो ये फेंकने से मैंने सोचा कि इसका कुछ बायो एंजाइम बना दिया जाए। फूलों का बहुत ही अच्छा होता है, घर में बहुत काम आता है ये वायनजाइम, पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वायनजाइम किस तरीके से मैंने बनाना है और कैसे हम इसको फूलों को अपने उसमें काम में ला सकते हैं। इसको बजाय बाहर फेंकने या कूड़े में डालने से हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जी, ये मैंने वायनजाइम बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम ये फूल ले रखे हैं। 300 ग्राम ऊपर नीचे भी क्वान्टिटी हो सकती है थोड़ी बहुत। और ये मेरा 100 ग्राम गुड़ है। ये गुड़ कोई सा भी हो सकता है, पुराना गुड़ हो या नया गुड़ हो, कोई सा भी खराब गुड़ कैसा भी हो। देखिए मेरा गुड़ एकदम गला हुआ गुड़ है, ये पहले का है, पुराना गुड़ रखा हुआ है मेरा ये। तो और इसके लिए चाहिए हमें पानी, एक बोतल चाहिए और पानी चाहिए। पानी हमें 1 लीटर चाहिए और इस तरीके से हम बनाएंगे कि हम एक बोतल ले लेंगे, हमें बोतल चाहिए। उसमें हम अपना डेट वेट डाल लेंगे कि कब हम इसे बायो एंजाइम को बना रहे हैं। तो हम बायो जो फूल है इनको हम बोतल के अंदर भर लेंगे इस तरीके से। जो 300 ग्राम हमने फूल लिया हुआ है इनको हम ऐसे बोतल में इकट्ठा कर लेंगे, सारे इसको बोतल में डाल लेंगे, धीरे धीरे सारा बोतल में भर लेंगे। और मुँह इसका छोटा होना चाहिए बोतल, इस तरीके से बड़े मुंह वाली बोतल नहीं लेनी है हमें, छोटे मुंह की बोतल लेनी है। बोतल यहाँ से एकदम यहाँ से इस तरीके की होनी चाहिए। बेस्लेरी की जो एकदम प्लेन बोतल होती है वो नहीं लेनी है, उसका फटने का डर रहता है। जब इसमें गैस बनती है तो वो नीचे को एकदम फूल जाती है, तो उसका बोतल फटने का डर होता है, लुढ़क जाती है, सीधा खड़ी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम इसमें फूल भर लेंगे। ये गेंदे के फूल जो है मेरे दिवाली के निकले हुए, दिवाली के मैं हमने अपने घर में सजाए थे, इन फूलों से अपने घर सजाया था, ये वही फूल है। ये हमने इसमें 300 ग्राम जो मेरे फूल थे गेंदे के वो मैंने भर लिए हैं, इसमें डाल दिए। अब हम ये हमारा जो 100 ग्राम हमारा गुड़ है वो हम इसमें डालेंगे। ये मेरा पिघला हुआ गुड़ है, इस तरीके से हम इसे बोतल में भर लेंगे इसे। ऐसी बोतलें हमारे घर में बहुत आती हैं, कैंपा वैम्पा की जो बोतल, कैंपा और माजा की बोतलें जो होती हैं वो ही बोतल है ये। बोतलें भी यूज में आ जाती हैं, फेंकनी नहीं पड़ती, तो हमारी बहुत बेकार हो जाते हैं, जगह जगह बोतलें पड़ी रहती हैं। इससे हम इसको बोतलें भी अपने यूज में ले लेते हैं, तो ये बोतलें भी हमारी काम में आ जाती हैं। गुड़ मैंने इसमें डाल लिया है, ये मैंने 100 ग्राम मैंने गुड़ इसमें डाल लिया है। अब इसमें हमें पानी डालना है, 1 लीटर पानी जाना है, 2 लीटर बोतल है तो 1 लीटर हमें इसमें पानी डालना है। और पानी से हम ये बोतल में पानी डाल लेंगे। इसका यही रेशो है, 300 ग्राम हम फूल लेंगे, 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर हमारा पानी होगा, 2 लीटर की मेरी बोतल है। ये हम पानी भर लिया इसमें, देखिए हाँ मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ तक आपने पानी भरना है, इसमें कितना इसको खाली छोड़ना बोतल को हमने। ये देखिए इतना हमने पानी भर लिया है इसमें, ये 20% या 80% हमने बोतल भर ली है, 20% हमने छोड़ दिया। ये इसलिए छोड़ा है कि इसमें गैस बनती है, तो हमें गैस रिलीज करने के लिए हमें इतना बोतल का पानी कम रखना है, इतना 80% बोतल भरनी है।
तो अभी हमने सब कुछ कर लिया है, इसे डाल लिया है, इसे ढक्कन लगा के अब बंद कर देंगे और इसमें हम डेट डाल लेंगे और लिख लेंगे कि हमने किस चीज़ का बायोएंजाइम बनाया है। डेट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि किस दिन हमने ये बनाया है। और इसका 3 महीने से पहले ये तैयार नहीं होता है, 3 महीने तक इसको हमने इस तरीके से रखना है। और 3 महीने का जो पहला महीना जो है, पहले महीने हम इसकी गैस रिलीज करते रहेंगे इस तरीके से, मुंह इधर को करके हम इसकी गैस रिलीज करेंगे। एक दिन के बाद इसमें गैस बनना शुरू हो जाएगी और गैस हम ढक्कन खोल के इसकी गैस रिलीज करते रहेंगे इस तरीके से। हर दिन हमने गैस रिलीज करनी है और इसको बोतल को ऐसी जगह में रखना है कि छाए वाली जगह में या किचन में किसी ऐसी जगह में रखना है ताकि हमें याद रहे इसकी गैस रिलीज करना, गैस निकालते रहें। अब मैं बताती हूँ कि हम किस किस चीज़ में मैंने इसको यूज़ करना है। देखिए मैंने ये बना दिया, पूरी मेरी बोतल तैयार हो गई है और मैंने इसमें लिख भी दिया है और डेट डाल दी है कि किस चीज़ का है, कैसा है। और 3 महीने में, 3 महीने से पहले ये तैयार नहीं होगा। अगर आप चाहें कि हमारे 3 महीने से पहले तैयार हो जाए तो वो फिर हमारा बायोएंजाइम ख़राब हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं बताऊंगी कि मैंने गेंदे के फूल का जो बायोएंजाइम बना रखा है, ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया है, मैंने छान के रखा हुआ है, इसे मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं यूज़ करना आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम अपने पौधों में डालेंगे इसे, तो एक ढक्कन हम ये इसका बायोएंजाइम डालेंगे और 1 लीटर बोतल में एक ढक्कन हम ये बायोएंजाइम जो हमारा तैयार हो गया है उसको डालेंगे। उसके बाद अपने पौधों में हम स्प्रे करेंगे और जो गेंदे के फूलों का है वो खुशबू उसमें बहुत अच्छी आती है, इससे जो हमारे तितलियां और जो हमारे वो क्या बोलते मक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं पॉलिनेशन करने के लिए, वो बहुत आती हैं इससे। और जैसे हम रूम में भी अपने रूम फ्रेशनर के की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में एक ढक्कन मिला के अपने रूम में भी अपने कमरों में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, अपनी टाइल साफ़ कर सकते हैं। और जैसे सब्जी वब्जी धोनी हो तो उसमें हम सब्जी पानी में डीप करके एक ढक्कन हम इसको डाल दें, इसका फूलों का जो मैंने बना रखा है बायोएंजाइम उसमें डाल दें, तो अब आपकी सब्जियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल फ्री एकदम बना हुआ है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, देखो मैं बताती हूँ कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, देखिए बहुत अच्छी खुशबू है इसमें आई हुई। अब इसको मैं, ये तो मेरा तैयार हो रखा है, ये देखिए ये मेरा तैयार है और ये ऐसे ही मेरा, ये संतरे का मेरा बना हुआ है। मैं इसको यूज़ करती हूँ पोछा वोछा लगाते वक्त, मैं इसका एक एक ढक्कन में अपने पोछा लगाते समय मैं डालती हूँ, टाइल्स में इससे साफ़ करती हूँ, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से टाइल्स साफ़ हो जाती हैं। अपने पौधों में डालती हूँ, बस 1 लीटर में एक ढक्कन डालना है आपको इस तरीके से। अब ये मेरा हो गया, मेरा बन गया है बायोएंजाइम। अब मैं ये 3 महीने तक इसको छोड़ दूंगी और 1 महीने मैं इसको गैस रिलीज़ करती रहूँगी। पहला जो महीना है मैं पूरा महीना इसको गैस रिलीज़ करूँगी। इसी तरीके से आप भी अपने केले के छिलके या फल फ्रूट के छिलकों से अपने घर में बायोएंजाइम बनाइए और वे ये अपने जो सब्जी के वेस्ट जो है उनको बेकार ना होने दें, उसको यूज़ में लेके आएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। धन्यवाद।